नमस्कार। भौतिक भूगोल में जो पिछला व्याख्यान हुआ था उसमें वाहिजल के बारे में अपन बात कर रहे थे कि वाहिजल किसे कहा जाता है और इसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। तो आगे आज का जो व्याख्यान है उसमें हम लेंगे भूमिगत जल और उसके जो कार्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भूमिगत जल किसे कहा जाता है। भूमिगत जल का तात्पर्य यह होता है कि जो जल ऊपर से विभिन्न स्रोतों से रिसके और अंदर जो स्थित चट्टाने हैं उनके छिद्रों और दरारों में जाकर रुक जाता है, एकत्रित हो जाता है, उसको भूमिगत जल कहा जाता है। और ये जो जल है भूमिगत जल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके कुछ स्रोत हैं जिनके द्वारा इसका भंडारण होता है। तो उसमें जो पहला जो स्रोत है वो है आकाशीय जल। भूमिगत जल का सबसे अधिक व्यापक और जो प्रमुख स्रोत है वो वर्षा के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो होता है, या फिर जो हिम होता है जब हिमनद पिघलते हैं और उसके द्वारा जो जल प्राप्त होता है और वो जल जब भूमि के अंदर उसका रिसाव हो जाता है तो उसको, ये भी एक उसका एक स्रोत है। तालाबों, झीलों, नदियों और सागरों का जल वाष्पीकरण की क्रिया से धरातल पर पुनः वर्षा के जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। जब वर्षा तथा पिघले हुए हिम से प्राप्त जल को आकाशीय जल कहा जाता है। धरातल पर आने से के बाद यह जल शैलों की संधियों, छिद्रों और दरारों में रिसकर ये जो धरातल की सतह है उसके नीचे ये पहुंचता है और जो अपारगम में जो सैलें होती हैं उसके ऊपर ये जल भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। यानी जल का रिसाव वहां तक होता है जहां तक इसको पारगम में सैल मिलती हैं, और जब इसको अपारगम में सैल जहां पर मिलती हैं उसके ऊपर ये जो रिसाव हुआ जल है ये एकत्रित होकर इसका भंडारण होने लग जाता है। दूसरा है सहजात बल, या सॉरी सहजात जल। झीलों व सागरों में निक्षेपित अवसादी सैलों के छिद्रों और सुराखों में स्थित जल को सहजात जल कहा जाता है। ये जो भूमिगत जल है इसका दूसरा मुख्य स्रोत है। और तीसरा है मैग्मा जल। ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो क्रिया के पश्चात जो तप्त मैग्मा सैलों के रूप में प्रवेश करता है तो मैग्मा में उपस्थित वायु घनीभूत होकर जल में मिल जाती है और ये मैग्मा जल कहलाता है। अब ये जो जल भूमिगत जल है विभिन्न स्रोतों से जो जल भूमि के अंदर पहुंचता है और चट्टानों के जो छिद्र हैं और दरारें हैं उसमें जल ये एकत्रित हो जाता है तो इसको तीन मंडलों में बांटा गया है। यानी जो अंदर ये जो इसका भंडारण होता है इसके तीन मंडल किए गए हैं। पहला है असंपृक्त मंडल, ये भूमिगत जल का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सैलों के छिद्र प्राय वायु से भरे रहते हैं, इसे वातन क्षेत्र भी कहा जाता है। इस मंडल में सैलें जल से संपृक्त नहीं होती हैं, वर्षा काल में ये मंडल कुछ जल युक्त रहता है। दूसरा है संपृक्त या संतृप्त मंडल, असंपृक्त मंडल से रिसकर जल नीचे पहुंचता है। इस मंडल में सैलों के छिद्र पूर्णतः जलयुक्त होते हैं, वर्षा काल में अधिक जल प्राप्ति होती है। तब भूमिगत जल का तल जो है वो ऊंचा हो जाता है, शुष्क ऋतु में जल तल नीचे हो जाता है। ये बढ़ता या घटता हुआ संपृक्त मंडल अंतर्यायिक संपृक्त मंडल कहलाता है। इस मंडल के नीचे सैलें सदैव संपृक्त रहती हैं, इस कारण इसे स्थायी संपृक्त मंडल कहा जाता है। तीसरा है चट्टान प्रभा मंडल, भूपटल के नीचे अनुमानतः 16 किलोमीटर की गहराई पर अधिक दबाव के कारण सैलों के छिद्र प्राय बंद हो जाते हैं, इस कारण जल उसके नीचे रिस नहीं पाता है। यह एकत्रित जल जल भरा कहलाता है। अधिक गहराई पर उपस्थित यह जल प्रवाहित होता है, इस क्षेत्र को चट्टान प्रभा मंडल कहा जाता है। अब ये जो भूमिगत जल है ये अलग अलग स्वरूपों में रहता है तो इसके जो जल के स्वरूप है वो
आगे वाले जो है उसमें अपन अध्ययन करेंगे। भूमिगत जल की निचली सीमा अप्रवेशी सेल द्वारा बनती है। यहाँ एकत्रित जल उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर प्रवाहित होता है। जल की प्रवृत्ति अपना तल प्राप्त करने की होती है, इसलिए प्राकृतिक या कृत्रिम छिद्रों के द्वारा ये जल धरातल पर कूप, स्रोत, गीजर आदि जो विभिन्न जो स्रोत हैं उसके रूप में ये प्रकट होता है। पहला है कूप यानी कुआ। भूपटल की शुष्क स्तरों को खोदने पर कुछ गहराई पर पारगम्य स्थलों में उपस्थित जल मिलता है, इसे कूप या कुआ कहा जाता है। कम गहराई पर केवल वर्षाकालीन कुएं मिलते हैं, लेकिन और ये जो कुएं हैं वर्षाकालीन, ये ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं। अधिक गहराई पर स्थायी कूप मिलते हैं जो सदैव जलपूर्ण बने रहते हैं। दूसरा है स्प्रिंग्स या स्रोत। धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता हुआ जल स्रोत कहलाता है। इसकी उत्पत्ति शैल स्तरों की संरचना पर निर्भर करती है। सामान्यतः समतल क्षेत्र में जल संप्रक्त पारगम्य शैलों में जल स्वतः नहीं बह पाता, किंतु पर्वतीय या ढालू क्षेत्रों में धरातल पर उभरी हुई पारगम्य शैलों में ये एकत्रित जल स्रोत के रूप में बहकर निकलने में समर्थ हो जाता है। ये स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी स्रोत। जब भूपटल के नीचे अभेद्य सेल कुछ झुकी रहती हैं और जल स्तर काफी ऊंचा होता है, तो भूमिगत जल की ढाल को ढाल मिल जाता है और वह स्रोत स्थायी रूप से बहता रहता है। दूसरा है अस्थायी स्रोत। किसी क्षेत्र में जल स्तर के ऊंचा नीचा होने पर ऐसे स्रोत बनते हैं। वर्षा काल में ये सूख जाते हैं और जो जल की प्रकृति है उसके अनुसार ये जो स्रोत होते हैं ये ठंडे और गर्म भी होते हैं। पहला है साधारण या ठंडे जल के स्रोत। साधारणतया गहराई से निकलने वाले स्रोत का जल ठंडा होता है। इनका जल स्वच्छ और मीठा पेय योग्य होता है। तापीय स्रोत। अधिक गहराई से निकलने वाले जो जल के स्रोत हैं वो गर्म होते हैं। अगला है आर्टिजन या पाताल तोड़ कुएं। ये विशिष्ट प्रकार के कुएं हैं जो विशेष परिस्थितियों में बनते हैं। भूमि में रिसता हुआ जल दो अपारगम्य शैल स्तरों के बीच में स्थित पारगम्य शैल स्तर से निर्मित तस्तरीनुमा बेसिन में एकत्रित हो जाता है। ऊपरी अभेद्य स्तर से में छेद करने पर निचले स्तर में एकत्रित जल जलीय दाब के कारण धरातल पर एक स्रोत के रूप में निकलने लगता है। आर्टिजन जो कुएं हैं का नामकरण 12वीं शताब्दी में फ्रेंच अफ्रीका के ओंटोइस में निर्मित कूपों के आधार पर किया गया था। इसकी उत्पत्ति के लिए कुछ जो कारक हैं वो आवश्यक होते हैं, जिसमें पहला है शैल स्तरों की रचना अभिनति के रूप में होनी चाहिए जिसके मध्य भाग में दबाव काफी। दूसरा है धरातल पर सरंध्र व पारगम्य शैलें स्थित होनी चाहिए जिससे जल रिसकर भूमि के नीचे पहुंच सके। तीसरा एकत्रित जल के नीचे अभेद्य सेल स्थित होनी चाहिए जिससे जल संचित रह सके। क्षेत्र में पर्याप्त तो वर्षा होनी चाहिए जिससे जल स्तर सदैव ऊंचा बना रहे। ऑस्ट्रेलिया में संसार के विशालतम आर्टिजन कूप पाए जाते हैं जो लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। अगला जो स्वरूप है भूमिगत जल का वो गीजर। आइसलैंड की भाषा में गेसिर शब्द का अर्थ फुहारे छोड़ने वाला या तेजी से उछलता हुआ होता है। होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के स्रोत होते हैं जिनसे कुछ समय के अंतराल पर गर्म तथा जल सॉरी वाष्प निकलती रहती है। कभी कभी ये सैकड़ों फीट ऊंचे होते हैं और इनका तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। भूपटल के भीतर स्थित पतले व संकरे स्तंभों में जल भर जाता है। मैग्मा के संपर्क में ये फुहारे के रूप में उछलकर धरातल पर प्रकट होते हैं। संयुक्त राज्य से वाइमिंग प्रांत में स्थित येलोस्टोन पार्क के क्षेत्र में ओल्ड फेथफुल नामक गीजर संसार में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में 100 से अधिक गीजरों का नामकरण किया गया है। आइसलैंड के हेकला प्रदेश और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में तारावेरा रिफ्ट में अनेक प्रकार के गीजर पाए जाते हैं। अब ये जो भूमिगत जल है ये जब ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करता है रिसता है तो अपने प्रवाह क्षेत्र में ये कुछ अपना कार्य करता है और उन
जो किया गया जो कार्य है उसके द्वारा कुछ श्लाघनीयता उत्पन्न होती है। तो अपरदन के अन्य साधनों नदी, हिमानी, वो पवन और लहरों की तुलना में भूमिगत जल का कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन भूमिगत जल भी धरातलीय जल की भांति अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करता रहता है, किंतु इसकी क्रियाएं भिन्न होती हैं। भूमिगत जल में प्रवाह बहुत मंद होता है, जल की मात्रा भी कम होती है और यह निश्चित मार्ग में धारा के रूप में नहीं बहता है। इसका जो पहला कार्य है अपरदनात्मक कार्य, अपेक्षय क्रिया के पश्चात सेलों के सामूहिक स्थानांतरण में भूमिगत जल महत्वपूर्ण योग देता है। ये अपेक्षय से ढीली सेलों की चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे ये बालू भूमि पर सरलता से खिसक जाती है। भूमिगत जल द्वारा भौतिक व रासायनिक अपरदन कुछ इसके प्रकार हैं जिनसे ये संपन्न होता है। पहला है गुलन क्रिया। शुद्ध जल में रासायनिक पदार्थों को घोलने की क्षमता नहीं होती, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल एक महान घोलक का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित वर्षा का जल धरातल के ऊपर चूने की घुलनशील सेलों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसे धरातल पर अनेक छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों से होकर वर्षा का जल भूमि के नीचे प्रवेश करता है। छिद्रों के क्रमशः विकसित होने से सेलें ढीली होकर गिरती हैं। दूसरा, जल गति क्रिया। जल भरे के रूप में बहता हुआ भूमि का जल जब अधिक संधियों वाली सेलों के ऊपर बहता है तो ढीले पदार्थों को आसानी से अलग कर देता है, किंतु वेग कम होने के कारण अपरदन की ये क्रिया अधिक प्रभावकारी नहीं होती। तीसरा है अपघर्षण। भूमिगत जल के साथ परिवहित होने वाले छोटे सैल खंड, कंकड़, पत्थर तथा घुले हुए सूक्ष्म पदार्थ यांत्रिक अपरदन के महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं। इन पदार्थों से युक्त भूमिगत जल सैलों पर प्रहार करके उन्हें रगड़ता रहता है और आपस में उसको तोड़ता रहता है। चौथा है सन्निकर्षण। सन्निकर्षण का अर्थ रगड़ना। इस क्रिया में भूमिगत जल के साथ बहने वाले सैल खंड आपस में टकराते रहते हैं और वो टकरा कर बारीक चूर्ण के रूप में बने रहते हैं। इस प्रकार ये जो क्रिया है ये भूमिगत जल की अपरदनात्मक क्रियाओं में शामिल होती है। अगला जो भूमिगत जल का कार्य है वो अगले व्याख्यान में अपन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।